लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3 एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड. देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, रिप्लेस और ये बॉक्स बना हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर. हमें इस किसको फिल करना है, इस बॉक्स को फिल करना है. तो देखो इसमें है 2/7 इज इक्वल, ये कितना है 8 और नीचे दे रखा डिनोमिनेटर की जगह बॉक्स. तो देखो हम इस बॉक्स में कैसे नंबर राइट करेंगे. अब जो दे रखे हैं चाहे तो वो दोनों न्यूमिनेटर मिलेंगे या दोनों डिनोमिनेटर मिलेंगे. तो हमें ये देखना है कि भाई न्यूमिनेटर अगर दोनों दे रखे हैं तो इसमें कैसा रिलेशन है. देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है कि 8 आया है, तो 2 × 4 जाए कितना आता है 8, मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है 4 से, तो कितना है 8. तो इसको 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 7 को 4 से करोगे तो 7 × 4 जा कितना होता है 28, 7 × 4 जा कितना होता है 28. तो ये आ जाएगा इसमें बॉक्स में कितना आ जाएगा 28. अब देखिए बी पार्ट. अब बी पार्ट में क्या है, ये दे रखा है 5/8 इज इक्वल टू ये 10 और अपॉन में क्या है बॉक्स है. तो देखो दोनों के न्यूमिनेटर दे रखे हैं. अब 5 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है कि 10 आया, 5 × 2 जा कितना होता है 10, तो 8 × 2 जा बोलो कितना होता है 16. तो यहाँ क्या आ जाएगा बॉक्स में 16. सी पार्ट देखिए, 3/5 इज इक्वल टू बॉक्स और अपॉन में कितना है 20. तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के क्या दे रखे हैं, डिनोमिनेटर दे रखे हैं. तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है कि 20 आया है, तो कितना होता है देखो 5 × 4 जा कितना होता है 20. तो 3 × 4 जा 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 4 जा कितना होता है 12. तो इस बॉक्स में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा. डी पार्ट. अब डी पार्ट में क्या है, 45/60 इज इक्वल टू 15 और अपॉन में क्या है बॉक्स. तो देखो अब तक सी पार्ट में तो क्या था कि इसमें क्या था कि फर्स्ट जो फ्रैक्शन थी उसमें न्यूमिनेटर स्मॉल था, तो इसमें ग्रेटर नंबर आएगा इसमें जो भी है, इसमें जो रिलेशन दे रखा था उसमें मल्टीप्लाई का रिलेशन बन रहा था, कहने का मतलब ये है. तो इसमें देखो ये ज्यादा है और ये कितना है कम है, तो कम है इसका मतलब इसको किसी से डिवाइड किया गया है. इसको किससे किया गया है, डिवाइड किया गया है. एक तो मेथड ये है इसके लिए, या दूसरा आप कर सकते हो कि इसको इससे रिलेशन बना लो कि 15 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है कि 45 आया है, तो 15 × 3 जा कितना होता है 45 होता है, तो किसको 3 से मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए. तो 20 की टेबल अगर आपको पता है तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, मतलब इससे बना लिया. आप डिवाइड से भी कर सकते हो, इधर से मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो. तो 15 × 3 = 45 और 20 × 3 कितना होता है 60. तो मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो और आप डिवाइड से भी. ई पार्ट. अब देखिए ई पार्ट में क्या है, 18/24 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन में 4. इसमें भी देखो सेम इस तरह गिवन है. तो इसमें देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है कि 24 आया है, तो 4 × 6 = 24 होता है. तो किसको नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, मतलब 6 जा पे आना चाहिए 18. तो टेबल अगर आपको लर्न है तो 3 × 6 जा कितना होता है 18, मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 3 × 6 जा कितना होता है 18, क्योंकि 4 × 6 जा कितना होता है 24. तो यहाँ जो नंबर आएगा उसको भी 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 18 आएगा. तो इस क्वेश्चन में यही था बस कि एक साइड की फ्रैक्शन गिवन थी और एक साइड में एक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से एक गिवन था, तो उस बॉक्स जो था उसकी जगह हमने फिल करना था. तो हमने देखा इसमें या तो मल्टीप्लाई का केस बन रहा है या डिवाइड का. तो इसके साथ अपने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है.